हे गाइस, लेट्स गेट रेडी फॉर भैया दूज। सो मैंने अपने क्लीन फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है इनसाइड का पोर फिलिंग प्राइमर, जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड पोर्स को बहुत अच्छे से फिल करता है। आपको इसे वहाँ लगाना है जहाँ भी आपको लगता है कि पोर्स हैं या फिर आपके स्किन पे टेक्स्चर है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनसाइड का कलर करेक्टर व्हील, ताकि जितने भी हाइपर पिगमेंटेशन हमारे फेस पे है वो हम हाइड कर सकें। सो गाइस, जैसे मुझे अपने डार्क सर्कल वगैरह हाइड करने होते हैं, स्पॉट्स जो मेरे फेस पे है छोटे छोटे वो हाइड करने होते हैं, उसके लिए मैं हमेशा अपने टोन से एक टोन डार्कर कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारी पिगमेंटेशन भी हाइड हो जाती है और हमारा बेस भी ग्रे नहीं पड़ता। आप ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स या फिर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, बट मेरा काम लाइक एक टोन डार्कर कलर करेक्टर चल जाता है तो मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ ही नहीं करती हूँ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। सो मैंने आज पहले आई मेकअप किया है, उसके बाद अपना फेस का बाकी बेस रेडी किया था। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कलर मास्टर कंसीलर, ये मेरे एग्जैक्ट स्किन टोन का ही है एंड लूज पाउडर से इसको मैंने सेट कर लिया है। आप ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसको थोड़ा सा ब्रश ऑफ कर लिया क्योंकि मुझे लगता काफ़ी वाइट हो गया है मेरा फेस। अब मैंने लिया है यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर एंड उसको सॉकेट एरिया में प्लेस किया है हल्की हल्की ब्लेंडिंग के लिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डॉक्टर टेप लगा ली है। इसके बाद मैंने लिया है येलो कलर एंड उसको पुट किया है अपने आईज़ के इनर कॉर्नर में। एंड नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ऑरेंज कलर, जिसको मैं आईज़ के बिल्कुल मिडल में प्लेस करूँगी एंड उसको हल्का हल्का येलो कलर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेरी ब्यूटीफुल रानी पिंक कलर, क्योंकि जो मेरा दुपट्टा है वो रानी पिंक कलर का है एंड इसको मैं आईज़ के आउटर कॉर्नर में प्लेस करूँगी एंड इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा मेकअप बहुत इवन लगे। इसको हल्का सा डार्क करने के लिए मैंने नेक्स्ट लिया है वाइन कलर और इसको आउटर कॉर्नर में प्लेस किया है जहाँ पे मेरा आईलाइनर का विंग आएगा। इट्स जस्ट टू क्रिएट अ शैडो, ताकि बहुत लाइक ओम्ब्रे इफेक्ट आए हमारे आईज पे, ग्रेडियंट इफेक्ट आए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्लिटर आई शेडो, दिस इज़ स्विस ब्यूटी ग्लिटर आई शेडो इन सिल्वर कलर एंड इससे मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। सिर्फ एक सिंपल सा डॉट हमें प्लेस करना है अपने आईज़ के इनर कॉर्नर में एंड देन हम अपनी ब्राउ बोन हाईलाइट करेंगे विद वेट एंड वाइल्ड पाउडर हाईलाइटर। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अंडर आई मेकअप। मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर अपने अंडर आईज़ को कंसील करने के लिए। ये एक शेड लाइटर है मेरे एक्चुअल स्किन टोन से, सो इट एक्चुअली ब्राइटन अप माय अंडर आईज़। इसको मैंने सेट कर लिया है विद अगेन लूज पाउडर, ताकि हमारी आईज़ के नीचे क्रीज ना पड़े। अब मैंने अगेन वो सेम रानी पिंक कलर का आई शेडो लिया है, जिसको मैं आईज़ के आउटर कॉर्नर में ही रखूँगी सिर्फ। एंड नेक्स्ट हमें लेना है वो सेम ऑरेंज आई शेडो। नेक्स्ट आई एम टेकिंग ब्लैक आई शेडो एंड उसको आउटर कॉर्नर में ही रखूँगी ताकि मेरे लैशेज थोड़े फुल लगे। इसके बाद अगेन हम लेंगे यहाँ पे अपना सिल्वर ग्लिटर आई शेडो एंड उसको ऑरेंज आई शेडो के ऊपर प्लेस करेंगे इनर कॉर्नर में एंड ऑरेंज आई शेडो के ऊपर। नेक्स्ट आई पुट अ वेरी सिंपल विंग्ड आई लाइनर एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिफ्ट एंड कर्ल मस्कारा। विद दिस आर आई लुक इज़ डन, लेट्स मूव ऑन टू आर बेस मेकअप। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का 24 आवर्स डे फाउंडेशन। इट्स अ वेरी मैट फॉर्मुलेशन, तो मैंने बहुत ही कम अमाउंट इसका यूज़ करने की कोशिश की थी, बट वो मुझे लगा थोड़ा एक्सेस हो ही गया है। एज यू कैन सी कवरेज काफ़ी अच्छी है इसकी एंड यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग इट, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई होता है, सो आपको बहुत जल्दी इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। एंड फॉर लिप्स आई एम यूजिंग ब्लू हेवेंस लिप टिंट एंड इट इज़ नॉट लिपस्टिक, इट्स जस्ट अ वेरी नाइस एंड वाटर बेस्ड लिप टिंट। वेरी लाइट वेट एंड हाइड्रेटिंग एंड इट स्टेज ऑल डे लॉन्ग, सो मुझे लगा कि फेस्टिव सीजन के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आई एम टेकिंग ब्राउन लिप पेंसिल एंड उससे मैंने अभी क्यूपिड्स बो एंड अंडर लिप थोड़ा सा लाइक शेड दे दिया है। इट गिव्स योर लिप्स अ वेरी नाइस एंड नेचुरल पाउटी लुक एंड किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने लाइक लिप्स पे कुछ एक्स्ट्रा काम किया है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर एंड इससे मैंने अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लिया है। एज यू कैन सी माई चीक बोन्स एंड जॉ लाइन दे आर परफेक्टली कॉन्टोर्ड एंड मैं नोज को भी अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी विद अ वेरी स्मॉल ब्रश एंड अगर आपको अपनी फिंगर्स यूज़ करनी पड़ती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने फेस को थोड़ा और हाईलाइट कर लेंगे विद अ कंसीलर, तो मैंने यहाँ पे अगेन यूज़ किया है इनसाइड का ही कंसीलर। इसको मैं सिर्फ अपने टी जोन में रखने वाली हूँ, लाइक उसके अलावा मैंने कहीं और फेस हाईलाइटिंग नहीं करी है। सो माई फोरहेड, नोज ब्रिज एंड चिन। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट आई फील लाइक कि यू नो फेस हाईलाइटिंग करने से हमारे फेस पे काफ़ी अच्छी एंड शार्प सी लुक आ जाती है एंड ऑल्सो अगर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्टोर हो गया है तो आप उसको भी इस मेथड से कट कर सकते हैं। आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी पाउडर ब्लश, सॉरी मैं यहाँ पे आपको दिखाना भूल गई, बट इट्स अ वेरी नाइस यू नो वॉर्म पिंक ब्लश जो मेरे आज के लुक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। विद द हेल्प ऑफ पाउडर हाईलाइटर आई एम गोइंग टू हाईलाइट माई फेस, आईज़ का कॉर्नर एंड नोज ब्रिज, चीक बोन्स एंड माई चिन एज वेल।
सो हियर आर मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन। इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे विद द स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर। इसको हम अपने फेस थोड़ा दूर रखेंगे एंड अच्छे से स्प्रे करेंगे। मेरे से यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्प्रे हो गया था तो मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अपने फेस पे हल्का हल्का डैप कर लिया। इससे जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो भी मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पे आ गया एंड इट जस्ट इवन आउट माई होल मेकअप। सो दैट वॉज द होल लुक गाइज। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि 5 आवर्स बाद भी मेरा मेकअप कितना फ्लॉलेस एंड कितना अच्छा लग रहा था। बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राची कर्ल्स एंड लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको मेकअप टिप्स चाहिए होते हैं या फिर उनको न्यू मेकअप इंस्पिरेशन चाहिए। इट विल हेल्प माई चैनल अ लॉट। एंड आई ऑल्सो नो कि आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया बिकॉज कल ही भैया धोज है, बट स्टिल यू कैन ट्राई दिस लुक ऑन अदर फेस्टिवल्स एज वेल। वेडिंग सीजन अभी हमारा आ रहा है, राइट? सो दिस वॉज माई मेकअप आफ्टर 5 आवर्स एंड आई वॉज रियली satisfied with the look and I hope you guys like it as well. Bye bye.